हाई फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत आप सभी लोग अपने चैनल टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में इस कमाल की वीडियो में। इस कमाल की वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को कोई भी ऑफर नहीं बताऊंगा, ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप पेटीएम के रजिस्टर मोबाइल नंबर को आप बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हो। गाइस बिल्कुल ही आसानी से आप इस मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखना गाइस, वीडियो में पूरा अंत तक देखना क्योंकि वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको कैसे मोबाइल नंबर चेंज करना बस एक क्लिक में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो इसी तरह का वीडियो और ऑफर सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते। तो गाइज और एक सबसे जरूरी बात गाइज, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाता गाइज, बेल आइकन को भी दबा देना गाइज सबसे पहले वीडियो देखने में, क्योंकि आप सबसे पहले ऑफर को लूट पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो उसके लिए आप पेटीएम को रजिस्टर मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए बस आपको एक स्टेप करना है, वो क्या करना है मैं बताता हूँ। तो गाइज मैं बताता हूँ वो क्या करना है। तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। वीडियो को आप लोग पूरा देखना, यार एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा गाइज कि आपको कैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है। बिल्कुल आसानी से आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो गाइज, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल आसानी से आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर KYC वेरीफाइड है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है। देख सकते हो आपको जैसे ही थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करना है, जैसे आपको यहाँ पर KYC वहीं पर आपको क्लिक कर देना, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता आपको देखने को मिल जाता। तो आपको कुछ भी नहीं करना गाइज, मैं ये नहीं बोलूँ आपको मैसेज करो तो वो चेंज कर देंगे, कुछ भी ये सब नहीं बोलने वाला हूँ आपके सामने। मैं लाइव बताने वाला हूँ कि कैसे आपको चेंज करना। तो उसके बाद आप इस तरह का इंटरफेस आपको आप सामने खुल कर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट प्रोफाइल का, जैसे ही एडिट प्रोफाइल पर आप क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है। आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो, जो भी यहाँ पर सब कुछ आपको साफ साफ देखने को मिल जाता है। देख सकते हो यहाँ पर मेरा डिस्प्ले नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए बस एक प्रोसेस करना है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। उसके बाद आपको जैसे ही मोबाइल नंबर चेंज करना है, अगर आपका नेम चेंज करना है तो नेम फिर भी आप क्लिक कर सकते हो। आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पर आपको 880984 पे आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हो क्या बताता हूँ आपको, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे अपने मोबाइल नंबर पर क्लिक करो इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ, जैसे इस तरह का मोबाइल नंबर आपको चेंज करना है रजिस्टर मोबाइल नंबर तो पहले आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे कोई नंबर चेंज करना है तो आपको कुछ भी जो नंबर चेंज करना है वो नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कोई भी एक नंबर देखिए, जैसे ही दे देना है इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी जो न्यू नंबर है आपको दे देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, जैसे सेव पे क्लिक करो देख सकते हो इन ऑर्डर टू चेंज पेटीएम रजिस्टर मोबाइल नंबर, देख सकते हो यू हैव डिलीट योर UPI ID एंड लिंक बैंक, जो भी है सब कुछ आपको डिलीट हो जाएंगे। लेकिन पेमेंट बैंक डिलीट नहीं होगा गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ पेमेंट बैंक डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर चेंज होगा, पेमेंट बैंक आपका चेंज नहीं होगा। मतलब अकाउंट नंबर तो चेंज नहीं होगा पर पेमेंट बैंक का नंबर यही हो जाएगा, पर आपका अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका ये पेटीएम का रजिस्टर नंबर चेंज हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इसको। आप जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी और जो न्यू नंबर दिए उस पर भी एक OTP जाएगी, दोनों OTP को आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर इंस्टेंट चेंज होगा, जैसे कि मैंने बहुत बार यहाँ से मैंने नंबर चेंज किया, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर मेरा रजिस्टर नंबर 880984 है, मैंने पहले मैं बैंक अकाउंट में जाकर दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट में जाकर दिखाऊंगा तो मेरा यहाँ पर कोई और बैंक अकाउंट का नंबर है जो कि मैंने चेंज करके कर लिया था मैंने इसी ट्रिक की मदद से। तो गाइस इसी तरह आप भी चेंज कर सकते हो। तो आपको वीडियो को पूरा देख लिया और समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे चेंज करना। तो गाइस अभी भी समझ में नहीं आता है वो वीडियो को फिर से बैक करके एक बार देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समझ में आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके शेयर कर देना दोस्तों के साथ। इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो मिलता है अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक नो बाय, जय हिंद जय भारत।